जान तो पहले क्यों कहने लग जाते हैं भगवान मान ए करते हैं। मैं तक मैं कोई बदला खोरी की राजनीति नहीं करता, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहना कि जिन्हें पंजाब का पैसा खाधा, मैं कोर्ट विधानसभा यही गल की, जिन्हें पंजाब का पैसा खाधा भावें वह सत्ता तो बहर हो गया, भावें वह सत्ता के बच्चे है, साढ़े वाले भी नहीं बच्चे, ठीक है ना। तो वो बख्शे नहीं जाओ। 26,797 नौकरियां देती हैं, एक साल से किन्ने भ्रिष्टाचारी फट के अंदर देते, एक साल के असी बिजली फ्री करती, बिजली बिल जीरो आता है, एक साल के असी 1 MLA 1 पेंशन, ठीक है ना। एक साल के असी रेवेन्यू असी बढ़ा लिया, तो कर्जा लाने वाले भी हो गए 16,000 प्रिंसीपल मूलधन, तो 20,000 करोड़ ब्याज, 36,000 करोड़ असी मोड़िया भी है। वो SIT बनाई सी मनयोग हाई कोर्ट ने, उन्हें चलान पेश किया। तो बस इन्ना कहना चाहवागे कि जेडे पहला कहते सके कि असी तो हर कुरबानी देने लिए तैयार हाँ, हूँ एक फरीदकोट की कचहरी जाने तो भी डरते हैं, पहले ही कहते जवान तो कहना कि करनी नेड़े तेड़े तो कित होना चाहिए ना सब। सो जो जिन्होंने जिन्होंने भी गुरु साहब की बेअदबी या गुरु साहब की जी पूरे जिथे जिथे भी गुरु साहब की बेअदबी हुई, लोगों भावनावान जोड़ा सट बजी, तो इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद है कि मानयोग अदालत जीडिया इंसाफ दे। मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़न का मतलब ये थोड़ी जी परचे होगी, तो मैं सुखदेव सिंह ढींसा के खिलाफ लड़िया, मैं केवल सिंह ढिलों के खिलाफ लड़िया, मैं बजिंदर सिंगला के खिलाफ लड़िया, तो मेरे से भी लभ्या होना इन्होंने कुछ। 2 सरकार MP रहा मैं, 14 to 17 अकाली दल की सी, 17 भाई इन्होंने से, फिर मेरे विरुद्ध ना कुछ लभ लिया इन्होंने। एक साल हो गया पंजाब दे विच लोगों की अपनी सरकार बनी, अपनी तां करके पहला किसी व्यक्ति विशेष की सरकार होंदी सी, उन्होंने महलों कंधा बहुत उच्चे होंगे सी, उन्होंने जिहड़े एंट्री वाले दरवाजे होंगे सी बहुत उच्चे उच्चे सी, तो उन्होंने वो दरवाजे बंद ही रखे लोगों लिए, आम लोगों लिए। सो हुण अपनी सरकार बनी है लोगों की, तो उन्होंने उम्मीदा ने बहुत। मैं जतूरी के पिंड च आया, तो उही प्यार उही यकीन जिहड़ा लोग दर्शा रहे ने, और धूरी के लोगों ने मतलब खुले दिल नाल वोटां पाईयां, तो एक बदलाव वास्ते एक रास्ता तैयार किया। तो धूरी के लोगों लिए भी असी पंजाब के 30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ लोगों लिए साडे वल्लों सरकार वल्लों भी खुले दिल नाल ही जिहड़ा वो बजट दे विच ग्रांटां गरीबां लई रखी गई ने, और पंजाब दे लोगों का एक एक रुपया संभाल लिया जाऊगा टैक्स का, संभाल के उन्हों बड़े डिसिपलिनड तरीके उन लोगों के उत्ते खर्चा जाऊगा, तो फिर लोगों का विश्वास बनता है कि जिहड़ा साडे टैक्स का पैसा है सानू ही, चाहे वह बिजली के रूप च वापस आवे, चाहे सड़कों के रूप च आवे, चाहे वह मोहल्ला क्लीनिकों के रूप च आवे, चाहे वह स्कूलों के रूप च आवे, वो लोगों से वापस आना चाहिए, तो लोगों का विश्वास बढ़ता। सर कोटकपुरा गोलीकांड में लेके प्रकाश सिंह बादल को जमानत मिल गई, सुखबीर सिंह ये किवें देखते हैं सर? ये तो जी देखो मानयोग अदालत के विच है केस, साढ़े तो कोई जिहड़ा इंटरफेरेंस है नहीं, असी तो कोई दखलअंदाजी नहीं की, जो SIT बनाई सी मानयोग हाई कोर्ट ने उन्हें चलान पेश किया। तो बस इन्ना कहना चाहवागे कि जिहड़े पहला कहते सके कि असी तो हर कुरबानी देने लिए तैयार हाँ, हूँ एक फरीदकोट की कचहरी जाने तो भी डरते हैं, पहले ही कहते जवान तो कहना ही तो करनी नेड़े तेड़े तो कित होना चाहिए ना सब। सो जो जिन्होंने जिन्होंने भी गुरु साहब की बेअदबी या गुरु साहब की जी पूरे जिथे जिथे भी गुरु साहब की बेअदबी हुई, लोगों भावनावान जोड़ा सट बजी, तो इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं उम्मीद है कि मानयोग अदालत जिहड़ियां ने इंसाफ देणगियां ते लोकां दे कालजे ठंड होवे। मंसूर दे विच गल कीती जब बिजेंद्र सिंगला नूं बिजली संबंधी नोट्स आया तां दलवीर सिंह गोडी तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सरकार जिहड़ा धक्का कर रही है कांग्रेसियों नाल, कांग्रेस की बिजली इस नाल हो रहा, तो दलवीर सिंह गोडी कहिंदे ने कि इन्ना तां भुगतना पवेगा क्योंकि मैं मुख्यमंत्री दे खिलाफ चोण लड़िया सी तुरी। देखो गल इह है शाम सुंदर रोड़े नूं मैं कहा सी 1 करोड़ रुपया लैके विजिलेंस दे कोल आ जा, उन्हां दे घरां दे विचों जिहड़ियां नोट गिणन वाली मशीन मिलती हैं, ठीक है ना। जे वह सही होणगे
तक अदालत जिहड़ी आ उन्हां नूं क्लीयर कर दूगी। ये जाण तो पहले क्यों कहण लग जांदे ने वो तां मना कर दें कर दें। मैं तो मैं कोई बदलाखोरी की राजनीति नहीं करता, ठीक है ना। तो ते मैं तो यही कहना कि जिन्हें पंजाब का पैसा खाद है, मैं कोर्ट वे विधानसभा से यही गल की, जिन्हें पंजाब का पैसा खाद है भावें वह सत्ता तो बाहर हो गया, भावें वह सत्ता के बच्चे है साढ़े वाले भी ने बच्चे, ठीक है ना, तो वह बख्शे नहीं जाऊ। तो फिर ये गोल्डी उत्तर जाने चाह की अर्ज है जाया वे तिरानी मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं मुख्यमंत्री होली किताब का पता लग जाता हूँ जी कि वर्ग के पिछू पाटे हुए हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़न का मतलब ये थोड़ी कि परचे होगी। तो मैं सुखदेव सिंह ढींसा के खिलाफ लड़िया, मैं केवल सिंह ढिलों के खिलाफ लड़िया, मैं बिजेंद्र सिंगला के खिलाफ लड़िया, तो मेरे से भी लभ्या होना इन्होंने कुछ। दो सरकार च एम पी रहा मैं, 14 to 17 अकाली दल की सी, 17 भाई इन्होंने सी, फिर मेरे विरुद्ध ना कुछ लभ लिया इन्होंने। सो जे धुआं हैगा तो अग होगी कितने कितने, पर हाँ बिल्कुल पारदर्शिता जाँच होगी। मैनू किसी बदलाखोरी की भावना ना काम करने की कोई लोड़ नहीं, बिजनेस अपना काम कर रही है। सर धूरी का रेलवे ओवरब्रिज लोग काफ़ी परेशान ने, वो कद तक बन देखो जी इतने टाइम लगता ओवरब्रिज बन पास हो चुके हैं, तो जो ओवरब्रिज बन गया तो धूरी जोड़ा वह जो जाम लगते हैं बाजार के उन्होंने निजात मिलेगी। तो धूरी हल्के असी नमूने का हल्का बनाना चाहते हैं ताकि बाहरों भी आके लोग देख देख कि धूरी के हेल्थ फैसिलिटीज़, धूरी एजुकेशन दी फैसिलिटी, सड़क पिंड टोभे धरती विचला पानी नहर सारा कुछ का इस्तेमाल जोड़ा पब्लिक जोड़े रिसोर्स ने पब्लिक भी होगी। एक गन्ना मिल ने अपना नोटिस लगा दिता भी अगले साल धूरी गन्ना मिल बंद होगी, कोई गल नहीं जी उन्होंने कर दी गल पहले इस साल वाले पैसे तो दे सारे, उस तो बाद कोई गल नहीं गवर्नमेंट टेक ओवर भी कर सकती है, एक गवर्नमेंट टेक ओवर भी कर सकती है। सो असी गन्ना उत्पादकों तो असं उत्साहित कर रहे हैं, सो खज्जल खुआरियों तो बचा रहे हैं। और पहली बार होया कि शुगर फैट ने एक भी पैसा नहीं देना है गन्ना उत्पादकों ने, पहली बार होया, पहले तो नहीं तो दबी रखते सी। सो इस करके जिहड़ी ये सरकार है ये लोगों की सरकार है, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, दुकानदारों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, ये मावां भैणां जिहड़ियां अपने बच्चों के भविष्य नूं चाहुंदियां ने वो एजुकेशन राही जां जे कोई इलाज पक्खों जिहड़ा जितनी तां किसी घर च कोई बीमार हो जाए सारी जमीन बिक जाती है प्राइवेट हस्पतालों से इन्ना महंगा इलाज है। सो असी इलाज भी विश्व पद्धर का तो होगा बिल्कुल फ्री, जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 26,797 ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 MLA 1 ਪੈਨਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ 16,000 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ 20,000 crore ਵਿਆਜ, 36,000 crore ਅਸੀਂ ਮੋੜਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, G20 ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, G20 ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਜ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਹਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ।